हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई। तो इसके लिए देखिए, 500 ग्राम हमने चिकन ले लिया है और ये देखिए अदरक लहसुन हमने छील लिया है, इसको अच्छे से धुल लिया है। अब हम इसको पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए, इसको हमने अच्छे से धुल लिया था चिकन को। अब हम इसमें एक स्पून पिसा हुआ मिर्चा डाल देंगे और यह 65 मसाला है, इसको डाल देंगे। ये फ्राई करने वाला मसाला है। और थोड़ा सा हम 2 स्पून हम अरारोट डाल देंगे। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार हम नमक मिला देंगे इसमें। और अदरक लहसुन का पेस्ट, अब हम इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप रख सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे, फिर हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। और ये देखिए, ये जो चिकन है इसकी लेग पीस, इसमें हम कट नहीं बनाए थे, तो इसको हम हाथों से अच्छे से कट बना लेंगे ताकि इसका रेसा रेसा अंदर को हो जाए। तो देखिए, ये हमने ऐसे ऐसे कट कर लिया है। इसको हम मिक्स करके अच्छे से मिला करके रख देंगे मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए, तेल हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके फ्राई कर देंगे। देखिए, आप देख सकते हैं, 1 साइड तो हो चुका है। अब हम दूसरी साइड इसको पलट देंगे। हम इसको 2 बार फ्राई करेंगे, एक बार निकाल के फिर हम दूसरी बार भी इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए, ये हो चुका है। अब हम इसको देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब हम दोबारा इसको फ्राई करेंगे, लेकिन सारा निकालने के बाद। तो देखिए, ये चिकन बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। फिर हम दोबारा इसको फ्राई करेंगे। अब इसको सारा चिकन हम दोबारा फ्राई करेंगे। तो क्या है कि बहुत कुरकुरा फ्राई होगा, एकदम बढ़िया। एक बार में नहीं, 2 बार में बहुत अच्छा फ्राई होता है चिकन, कच्चा नहीं रह पाएगा थोड़ा भी। तो देखिए फ्रेंड, हमने सर्व कर दिया है चिकन फ्राई। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।